Here we have the fourth point. Rusting can also be prevented by the converted into an alloy. अगर हम अपने आयरन आर्टिकल को अलॉय में कन्वर्ट कर दें तो उसमें भी हमारा रस्टिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. और अलॉय में कन्वर्ट कर सकते हैं विद अ क्रोमियम एंड अ निकल, उसमें क्रोमियम या निकल की एडिशन करके. सो दिस अलॉय इज कॉल्ड द स्टेनलेस स्टील, और इसी अलॉय को हम स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं. और देखिए मार्केट में स्टेनलेस स्टील्स के जो आर्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, और जनरली कॉमर्शियल पर्पज़ पे जो हम अपने यूज़ करते हैं घरों में हाउस होल्ड पर्पज़ पे, तो किचन्स में हम स्टेनलेस स्टील के आर्टिकल्स ही यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिकल्स हैं ये जनरली जल्दी से मॉइस्चर के साथ एयर के साथ रिएक्ट होके कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस नहीं बनाते हैं. सो इसीलिए हम इस तरह के आर्टिकल्स को विच आर मेड बाय द स्टेनलेस स्टील्स कैन बी यूज्ड फॉर द कुकिंग पर्पस. इनको हम कुकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. दीज आर ऑल्सो यूज फॉर द कुकिंग मटीरियल्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय द कोटिंग ऑफ अ सर्फेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट विद अ क्रोमियम. क्रोमियम की कोटिंग कर दें अगर हम, टिन की कोटिंग, निकल की कोटिंग और एल्यूमिनियम की कोटिंग. सो दीज मेटल्स रेजिस्ट द कोरोजन, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं ये कोरोजन को रेजिस्ट कर देते हैं. और लास्ट पॉइंट टू मेक अलॉयज, अगर हम उनके अलॉय बना दें, रस्टिंग कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाई कन्वर्टिंग इट इंटू एन अलॉय विद क्रोमियम एंड निकल. तो दिस